गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का टॉपिक कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ मिडवाइफरी डिस्कस करेंगे। मिडवाइफ एक ऐसी पर्सन है जो कि रेगुलर बेसिस पर मिडवाइफरी एजुकेशनल प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करती है, नेसेसरी क्वालिफिकेशंस को गेन करती है ताकि वो रजिस्टर्ड हो सके या उसे मिडवाइफरी प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल सके जिससे वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सके। अब ऑब्स्टेट्रिक और मिडवाइफरी दोनों सिमिलर भी लगते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? ऑब्स्टेट्रिक मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर प्रेगनेंसी, लेबर और प्यूपेरियम की बोथ एबनॉर्मल व नॉर्मल दोनों टाइप के कंडीशंस को डील किया जाता है, मैनेज किया जाता है। जबकि मिडवाइफरी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर प्रेगनेंसी, लेबर और प्यूपेरियम की सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस को डील किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्यूपेरियल सेप्सिस मिडवाइफरी का टॉपिक ना होकर ऑब्स्टेट्रिक का टॉपिक है और नॉर्मल लेबर मिडवाइफरी का टॉपिक है। प्यूपेरियल सेप्सिस एक पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की बात की जाए तो मिडवाइफरी उतनी ही पुरानी है जितनी ह्यूमंस की हिस्ट्री है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं कि मिडवाइफरी का जो एग्जिस्टेंस है वो ईसा के जन्म से 5000 साल पहले का है। अब हम कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। सबसे पहले है हिप्पोक्रेट्स साइंटिफिक मेडिसिन के फादर हैं। हिप्पोक्रेट्स ने मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की और सुपरविज़न किया। इनका मानना था कि फीटस को यूट्रस व मेम्ब्रेन से बाहर आने के लिए फ़ाइट करना पड़ता है, लेकिन हिप्पोक्रेट्स की बातों को मिडवाइफ्स ने सीरियसली नहीं लिया। एरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी हम बोलते हैं, यूट्रस व फीमेल पेल्विक ऑर्गन को डिस्क्राइब किया। मिडवाइफ एसेंशियल क्वालिटीज़ के बारे में इन्होंने बताया मिडवाइफ्स को। नेक्स्ट सोरानस, इन्होंने स्पेशल स्किल्स डेवलप की ऑब्स्गायनी के फील्ड में, वेजाइनल स्पेकुलम का यूज़ किया, अम्बिलाइकल कॉर्ड की केयर के बारे में बताया। नेक्स्ट लियोनार्डो डा विंकी, इन्होंने प्रेग्नेंट यूट्रस की एनाटॉमिकल ड्राइंग बनाई। नेक्स्ट वेसालियस, इन्होंने फुल टर्म प्रेग्नेंट यूट्रस को ओपन किया लोअर एनिमल्स में और फीटस को बाहर निकाला। बताया कि यूट्रस जो है वह सिंगल चैम्बर ऑर्गन है। नेक्स्ट एम्ब्रो स्पेयर, इन्होंने मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स की नींव रखी, इंटरनल पोडेलिक वर्जन्स परफॉर्म किए, सक्सेसफुली डिलीवरी करवाई और फर्स्ट टाइम डिलीवरी बेड पर करवाई गई। इससे पहले डिलीवरी बर्थिंग स्टूल पर करवाई जाती थी। इन्होंने पेरिरियल लेसरेशंस को सूचर किया और मिडवाइफ की ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल बनाया। नेक्स्ट जियस कैजर अरेंजी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की केस में सिजेरियन सेक्शन को एडवाइस किया, प्लेसेंटल की सरफेस डिस्क्राइब की, यूटेराइन सेप्सिस की स्टडी स्टार्ट करी। चैम्बरलिन, इन्होंने ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप्स को डिज़ाइन किया। विलियम स्माइली, इन्हें ब्रिटिश मिडवाइफरी का फादर भी बोला जाता है। इन्होंने लेबर को मैकेनिकल प्रोसेस कहा, पेल्विमीट्री सिफेलोमीट्री को डिस्क्राइब किया, ब्रीच प्रेजेंटेशन में हेड डिलीवरी के समय फोरसेप्स के यूज़ को बताया। फील्डिंग आउट, इन्होंने नॉर्मल लेबर की मैकेनिज्म्स को डिस्क्राइब किया, फर्स्ट टाइम एपिसियोटोमी को परफॉर्म किया। फ्रेंकोइस, इन्होंने पहली बार प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर फीटल हर्ट साउंड को पहचाना। जेम्स यंग सिम्पसन, पहली बार ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया गया एज एनास्थीसिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्होंने मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग के लिए स्कूल बनाया। सैमवेल वेज, इन्होंने प्यूपेरियल सेप्सिस के कॉज और प्रिवेंशन के बारे में बताया। लुइस पाश्चर, इन्होंने एक थीसिस लिखी प्यूपेरियल सेप्सिस के ऊपर जिनका टॉपिक था स्ट्रेप्टोकोकाई की प्रेजेंस, मदर के केस में लोकिया और ब्लड में प्रेजेंस, फीटस के केस में पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंस। स्पेंसर एंड बेलानाइटी, इन्होंने एंटीनेटल केयर का कंसेप्ट बताया प्रेग्नेंट मदर्स में। नेक्स्ट पोरो, इन्होंने सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी के बारे में बताया। मुनरो केयर,
इन्होंने सिजेरियन सेक्शन की लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन टेक्निक बताई, जो उसे पॉपुलर भी किया और आज भी हम प्रैक्टिस में यूज़ लेते हैं। तो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन था अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो इससे पहले जो सिजेरियन सेक्शन किए जाते थे वो अपर सेगमेंट में किए जाते थे, लेकिन मुनरो केयर ने क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन को हटा के लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन को बताया, जो आज भी पॉपुलर है। रोल ऑफ नर्सेस की बात की जाए तो नर्सेस का रोल है सुपरविजन करना, केयर करना, एडवाइस करना प्रेगनेंसी, लेबर और पोस्टपार्टम में, लेबर के दौरान असिस्ट करना, फिटल की मॉनिटरिंग करना, काउंसलिंग एजुकेशन प्रोवाइड करना फैमिली को, कम्युनिटी को, मदर को, डिलीवरीज को कंडक्ट करवाना, प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिकल असिस्टेंस, गुड्स की परचेजिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, एंटीनेटल एजुकेशन, प्रिपरेशन फॉर पेरेंटहुड, फैमिली प्लानिंग, जनरल हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ब्रेस्ट फीडिंग में असिस्ट करना, इम्यूनाइजेशन को प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना और हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स और मदर्स को रेफर करवाना, कॉम्प्लिकेशंस को पहचानना, यही सब मिडवाइफ्स के रोल हैं। असाइनमेंट, आपको मिडवाइफ को डिफाइन करना है और एक डायग्राम बनाना है जिसमें नर्सेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज मिडवाइफ शो हो। थैंक यू सो मच।